असलामुअलैकुम, मैं मीर निज़ाम अली खान, एडवोकेट तेलंगाना हाई कोर्ट, और मेरे साथ एडवोकेट खदीर, एडवोकेट अब्दुल वासिर और एडवोकेट मुजाहिद। आज यहाँ पर हम हमारे ऑफिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं एक बहुत ही सीरियस मसले पर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हैदराबाद में कई सारे कत्ल के वाक़ात हो रहे हैं, आम लोगों के खतर हो रहे हैं, ये समझ में आ रही है बात। मगर कल जो वाक़ा हुआ है हैदराबाद में, हैदराबाद के करीब 17 फरवरी 2021 को दो हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स का दिन दहाड़े रोड पर बहुत ही दर्दनाक तरीके से उनका कत्ल हुआ है, यानी हस्बैंड एंड वाइफ का कत्ल हुआ है दिन दहाड़े रोड पर। तो इसका हम बहुत ही शदीद अल्फाज में कंडम करते हैं, इसको जो है ये रिक्वेस्ट करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से और हुकूमत तेलंगाना से कि जो भी अक्यूज्ड है उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो। कार्रवाई ये हो कि जल्द से जल्द उनको कुछ सजा दी जाए, ऐसा नहीं कि ट्रायल लंबा चलते जा रहा है, इमीडिएटली उनको पकड़ा जाए। मैं बात ये कहना चाह रहा हूं कि आम तौर पर जैसा लोगों का कत्ल होता है, हम बात समझ में आती है, हाँ भाई किसी बात पर हो गया, मगर ये जो एडवोकेट्स का कत्ल होना, ये जुडिशियरी पर अटैक है, लॉ पर अटैक है, कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक है, और हमारी डेमोक्रेसी पर ये बहुत बड़ा अटैक है। क्योंकि एडवोकेट, जैसा कि हम जानते हैं कि एक ऑनरेबल प्रोफेशन है, और एडवोकेट्स का जो काम होता है, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से हमको बात कर किस तरीके से बेगुनाह को बचाने का हमारा काम होता है, तो उन पर ही खतर कर देना, उनको दिन दहाड़े, ऐसा नहीं कि रातों रात ये काम है, दिन दहाड़े बीच रोड पर, वो भी हाईवे बीच रोड पर इस तरीके से कत्ल होना, ये बहुत ही बहुत बड़ा अटैक है हमारे एडवोकेट्स फ्रेटर्निटी पर। तो हम ये गुजारिश करते हैं कि एडवोकेट्स के ऑनर को बचाया जाए, इस मसले को बहुत ही ज्यादा सीरियस लीजिए। ऐसा नहीं कि कोई आम आदमी का कत्ल हो गया, हाँ भाई एक्यूज को जो है रिमांड पर लिया, ट्रायल चल रहा है, ऐसा नहीं। एडवोकेट फ्रेटर्निटी पर यह बहुत बड़ा अटैक है, जुडिशियरी पर अटैक है, ये लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक है। तो हुकूमत तेलंगाना से ये गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई की जाए और जो है अक्यूज को सजा दी जाए। ऐसा नहीं कि ट्रायल चल रहा है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ट्रायल नहीं, जल्द से जल्द सजा की हम गुजारिश करते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में ये भी बात आई है कि एक जो है जैसा कि एडवोकेट्स, जैसा सीनियर एडवोकेट्स की बात करिए, जब वो सीनियर हो जाते हैं तो बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस वो लड़ते हैं, बड़े बड़े सिविल केसेस लड़ते हैं, तो उनकी जान पर भी हमला आता है। ये केस में भी ऐसे ही हुआ, उनकी जान पर हमला हुआ और उनकी वो जान गवा बैठे। तो मैं हुकूमत तेलंगाना से भी गुजारिश करता हूँ कि जो सीनियर एडवोकेट्स को जो बड़े केसेस हैंडल करते हैं, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे क्रिमिनल से उनका मिलना जुलना होता है केसेस के सिलसिले में या सिविल केसेस के सिलसिले में, तो उनके एक लाइसेंस रिवॉल्वर दीजिए ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। अपनी हिफाजत के लिए लाइसेंस रिवॉल्वर दीजिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी देते हैं उनकी अपनी हिफाजत के लिए, तो एडवोकेट्स को तो देना चाहिए। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट थी हुकूमत तेलंगाना से। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हम इस अटैक को शदीद अल्फाजों में कंडम करते हैं और इसकी जांच की हम रिक्वेस्ट करते हैं। इसको, इस मसले को बिल्कुल आसानी से और लाइट नहीं लेना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक है, हमको इस बात को समझना है। और मुआशरे में जो ऐसे राउडी शीटर्स घूम रहे हैं जिनको खुले आम छोड़ा जा रहा है, हाँ हम जानते हैं कई रॉडी शीटर्स पर पीडी एक्ट लगाकर उनको जो है अंदर डाला जा रहा है, मगर और ऐसा काम आगे बढ़ना चाहिए, और भी हम लोगों को जो है अंदर करना चाहिए ताकि इस तरीके के वाकयात कम हो सके। आम आदमी की भी जान बचना चाहिए और जो है एडवोकेट की भी जान बचना चाहिए, हो सके मिसाल के तौर पर आगे हम फ्यूचर में ये ना देखें कि किसी एडवोकेट का भी साथ ऐसे ही हाल हो गया, किसी पुलिस वाले के साथ भी ऐसे ही हाल हो गया, तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हो सकता है अगर ऐसा माहौल सही नहीं रहा। तो हम यही कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को सही करिए, और इस मसले पर यही कहना चाहते हैं, एडवोकेट्स के ऑनर पर ये बात आई है तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट जारी जब तक रखेंगे जब तक हमको एडवोकेट फ्रेटर्निटी को इंसाफ ना मिले। वकील साहब, आज चंद एडवोकेट्स को गिरफ्तार भी किया गया जी प्रोटेस्ट के दौरान, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, प्रोटेस्ट तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो करना हमारे लिए जायज है। आर्टिकल नंबर 19 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेस्ट करना जायज है। अब जो है अगर हंगामा हो गया प्रोटेस्ट में अगर कोई जो ऐसा कोई हरकत हो गई, बड़े बड़े नारे लगा दिए या फिर वैंडलाइज करने की कोशिश कर, तो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर बचाने के लिए गिरफ्तार करना ही पड़ता है। मगर गिरफ्तार का माना ऐसा नहीं है कि उनको जेल में डाले, काउंसलिंग वगैरह कर पुलिस स्टेशन से उनको भेजा दिया जाता है। हुकूमत का दावा है कि जो है 7 सालों में तेलंगाना में पुरअमन माहौल रहा है, उसके बाद ये वाकया है, जिस पर आप क्या है? देखिए, हुकूमत का तो हुकूमत, चाहे वो हिंदुस्तान की हो चाहे तेलंगाना की हो, कई सारे अपने स्टैटिस्टिक्स बताते हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस से भी कई सारे जो है स्टैटिस्टिक्स निकल के आ रहे हैं, मगर जैसा आप लोग मीडिया वाले, आप लोग बेहतर जानते हैं हमसे ज्यादा कि कितना क्राइम हो रहा है और बढ़ भी रहा है, कंट्रोल भी हो रहा है, बढ़ गया 50% जैसा कहते हैं हम, उस तरीके से चल रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि जो क्राइम बढ़ा है उसको कम करे और इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का साथ पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर के साथ पुलिस जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्राइम
कम भी हो रहा है साथ ही साथ बढ़ भी रहा है, इसके पे भी हमको नजर रखनी चाहिए। हाईकोर्ट की जो वकील पे जो खतरनाक हमला उनका तब हो गया जी, अब इतने बड़े वकील पर अटक वो तो आम आदमी सेफ नहीं, कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है, नाकामी है। बिल्कुल, मैं अभी मेरे स्टेटमेंट में वही कहा कि राउडी शीटर्स, ऐसे जो राउडी शीटर्स होते हैं इनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। और वो केस में वो वकील साहब ने प्रोटेक्शन मांगा था, प्रोटेक्शन मांगने के बावजूद भी उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। इमीडिएट प्रोटेक्शन देना चाहिए ना, पुलिस का भी यहाँ पर कायरी मालूम होती है, इमीडिएट प्रोटेक्शन देना चाहिए, केस के सेंसिटिविटी को समझना चाहिए, समझ कर प्रोटेक्शन देना चाहिए था, प्रोटेक्शन नहीं दिया और इस तरीके से वारदात पेश आई। पार्टी का नाम भी आ रहा है उसमें। देखिए जब तक कोई चीज फाइनलाइजेशन नहीं होती है ना, पार्टी का नाम मैं नहीं ले सकता। खैर मीडिया में कई सारे पार्टीज के नाम आए, वो फला आदमी फला पार्टी से जो है वाबस्ता रखता है, कन्फर्म हो जाना चाहिए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी चीज डिक्लेयर करना सही नहीं होता। थैंक यू। एडवोकेट फ्रेटर्निटी के ऊपर जो हमला हुआ उसके बारे में बात करें।